शिक्षण संस्थान में हर वर्ग के छात्र को शिक्षा देने की पद्धति में बदलाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में शिक्षा प्रदान करने के एक बदलाव को कोरिया जिले के बैंकुटपुर रामानुज प्रताप सिंह स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में देखने को मिला। दरअसल रामानुज प्रताप सिंह कॉलेज में शिक्षिका डॉक्टर प्रीति गुप्ता और छात्रों ने कॉमर्स लैब की स्थापना की। इस लैब में छात्रों को कॉमर्स विषय की जानकारी मॉडल बनाकर दी जाएगी। शिक्षिका प्रीति गुप्ता ने बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार ये छत्तीसगढ़ में पहला कॉमर्स लैब है। वहीं विश्वविद्यालय के प्राचार्य अखिलेश गुप्ता ने बताया कि इस लैब में हम प्रत्येक वर्ष बच्चों से कुछ नया मॉडल बनवाएंगे। कॉमर्स लैब के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कॉमर्स क्लब के अंतर्गत कॉमर्स लैब आता है। तो कॉमर्स क्लब की ही एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन भी है, और इसमें हमने चाहा है कि बच्चों का 360 डिग्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। मतलब हर तरह से हम बच्चों को ये योग्य बना सकें कि वो जीविका कमाने लायक हो जाएं और कहीं लीडरशिप सीख जाएं। तो कॉमर्स लैब हमने जो बनाया सारे बच्चों की मदद से, मेरे स्टाफ की मदद से, सबका भरपूर सहयोग मुझे मिला, प्राचार्य का संरक्षण मिला, डॉक्टर एसी गुप्ता प्राचार्य पीजी कॉलेज। तो हमारा ये उद्देश्य था कि बच्चे व्यवहारिक रूप से उन चीज़ों से जुड़ सकें जो चीज़ें वो देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कॉमर्स लैब कैसा हो इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया, और ये जो कॉमर्स लैब तैयार हुआ है ये वाणिज्य विभाग के छात्र छात्राओं और उस विभाग के टीचरों के द्वारा किया गया है। ये एक नवाचार है। इस प्रकार का सोच अभी तक कॉमर्स लैब के संबंध में कहीं और, मैं ऐसा समझता हूँ कि कहीं और ऐसा नहीं दिखा। तो एक ये छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में एक नई पहल की गई है, और इस पहल के अंतर्गत हर वर्ष छात्रों से कुछ नई चीज़ें बनवाई जाएंगी लैब के लिए, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार से लैब के द्वारा छात्रों का यदि अध्ययन अध्यापन किया जाता है तो वही भी छात्रों के लिए उपयोगी।